हाय गाइस, क्या हालचाल है गाइस। मैं हूं पोसेन, आप देख रहे हैं टेक क्रेजी। मैं बात कर रहा हूं मोटोरोला इस 40 न्यू 5G की। तो मोटोरोला की जो स्मार्टफोन है वो आपको दिखा जाए तो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस आपको दिन भर निकालते जा रहा है। डिजाइन और गाइस परफॉर्मेंस, रैम वेरिएंट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है मोटोरोला इज 50 न्यू स्मार्टफोन तो बात करेंगे, और ये जो स्मार्टफोन है इस स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन बारे में बात करेंगे। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन की आप डिजाइन को देखेंगे तो आपको इसके अंदर फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएंगे। बट गाइस ये जो स्मार्टफोन है इसका अंदर जो डिजाइन है बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइन आपको प्रोवाइड करा जाएगी। साथ ये जो स्मार्टफोन है स्मार्ट साइड उनकी बैक साइड की डिजाइन की बात करूं आपको बैक साइड पे ड्यूल कैमरा सेटअप इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही में आपको ड्यूल एलईडी फ्लैश भी देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे ओरिजिनल मोटो की जो लोगो होती है लोगो देखने के लिए मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ देखेंगे तो मोटो लिख के आपको लोगो देखने के लिए मिल जाती है। फोन डिजाइन की बात करें गाइस इसके अंदर आपको कार्ड आउट के साथ मिडिल पे आपको सेल्फिश फोन कैमरा देखने के लिए मिल जाती है, और ये जो डिस्प्ले है आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो डिस्प्ले की ग्रिप है आप देख सकते हैं, बॉडी की जो ग्रिप है बहुत ही अच्छी ग्रिप आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो आप स्मार्टफोन को जब होल्ड करेंगे आपको बहुत ज्यादा यूनिक सा फील आएगी। ये जो स्मार्टफोन की ऐसा ही डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है, और गाइस ऐसा ही डिजाइन आपको प्रोवाइड करा जाए। ये जो स्मार्टफोन है इस स्मार्टफोन की आपको फ्रंट साइड पे ग्लास प्रोटेक्शन साथ आएगी, और इसके अंदर आपको जो मिडिल फ्रेम देखने के लिए मिल जाएंगी वो प्लास्टिक की आपको प्रोवाइड करा जाएगी। और गाइस बैक साइड पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ लेदर कवर के लिए मिल जाती है। और गाइस ये जो लेदर कवर है काफी हद तक यूनिक सा आपको डिजाइन प्रोवाइड करा जाएगी, बहुत यूनिक जैसा आपको इस स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाती है। ऑल ओवर देखा जाए तो इस स्मार्टफोन की लुक काफी यूनिक है और काफी एग्रेसिव भी है। स्मार्टफोन को यूज करने में बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं डिस्प्ले परफॉर्मेंस के बारे में। मोटोरोला मोटो एज 40 न्यू पे आपको 6.55 इंच का फोलेट क्राफ डिस्प्ले प्रोवाइड करा जाएगी, जिसकी स्टॉप स्पीड आपको 40 गीगाहर्ट्ज की स्टॉप स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस इसके साथ आपको HDR10+ की सपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है, और ये जो डिस्प्ले है गाइस फुल HD सपोर्ट आप कंटेंट इस स्मार्टफोन से वॉच कर सकते हैं। वॉचिंग एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल की होगी। इसके अंदर जो कलर वेरिएंट है बहुत यूनिक सा 1 मिलियन तक आपको कलर वेरिएंट देखने के लिए मिल जाती है। 402 PPI Dimensity आपको देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस इसका जो ब्राइटनेस है 1200 यूनिट ब्राइटनेस इसके अंदर प्रोवाइड करा जाएगी। इसे गेम प्ले कर सकते हैं और बाहर से बैठ के आप मूवी भी एंजॉय कर सकते हैं, वीडियो वगैरह की एंजॉय कर सकते हैं। लाइट की आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। और गाइस सबसे पहले इसके अंदर आपको आई प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट चीज यूज किया है, लेकिन लाइट आपकी आंखों से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगी। बहुत यूनिक सा फीचर्स इसके अंदर आपको प्रोवाइड करा जाए। ये जो डिस्प्ले है इसकी खराब होने के नाते आप वगैरह आसानी से बहुत इंजॉय कर सकते हैं, और मूवीज की एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल की होगी क्योंकि इसके अंदर 1 मिलियन+ कलर वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाती है। कंटेंट वगैरह आप हाई प्रोफाइल गेम वगैरह आसानी से खेल पाएंगे और कुछ भी टास्क आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, और इसके स्लैक वगैरह की हिट वगैरह की स्लो वगैरह की कुछ भी इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसको आप जब स्क्रॉल करेंगे आपको स्मूथली कर पाएंगे, जितने भी टास्क वगैरह है इजीली आप कंप्लीट कर पाएंगे। ख्याल से ये जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले प्रोवाइड करा है बहुत ही हाई परफॉर्मेंस डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। मोटोरोला एज 50 न्यू के अंदर आपको मीडियाटेक से आने वाला मीडियाटेक डिमेंसिटी 1050 प्रोसेसर प्रोवाइड करा जाएगी। ये जो प्रोसेसर 6 NGP पावर पे बेस्ड होगी, और इसकी गेमिंग की सबसे बेहतरीन स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर आपको टॉप स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज की टॉप स्पीड प्रोवाइड करा जाएगी। गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल की आएगी, और इसके अंदर आपको HD+ मोड पे आप गेम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और गाइस इसके साथ आपको जो GPU इसके स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो
सीपीयू इसके अंदर यूज किया है गेम परफॉर्मेंस और बेहतरीन करने के लिए। इसके अंदर आपको MEL-Z610MC3 जीपीयू इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत ही फास्ट है गाइस। बिल्कुल भी एजोस जीपीयू है, गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको यूज किया है। और ये जो स्मार्टफोन 68 पे बेस्ड होती है और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाती है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाती है। ये जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन आपको यूनिक्स आपको गेम प्ले करके देगी। और ये जो स्मार्टफोन है, इसकी गेम परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं अदर परफॉर्मेंस की। ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड होती है। स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी है, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस कनेक्टिविटी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। स्मार्टफोन 5G पे बेस्ड होगी। इंडिया के लिए दोनों ही सिम आपको 5G देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही में ये जो स्मार्टफोन है, इसके अंदर आपको डुअल बैंड वाईफाई 6 देखने के लिए मिल जाती है, ब्लूटूथ 5.2 देखने के लिए मिल जाती है। इस बात कर लेते हैं ये जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन की और ज्यादा सिक्योर करने के लिए इसके अंदर जो लॉक परफॉर्मेंस यूज किया है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट लॉक सेंसर देखने के लिए मिल जाती है, जो है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर। और ये भी आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर जो फिंगरप्रिंट लॉक होती है, ये ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है ये जो लॉक परफॉर्मेंस है। तो इसके अंदर आपको हाई सिक्योरिटी लॉक परफॉर्मेंस लॉक सेंसर दिया जाएगी। और गाइस इसके अंदर जो आपको रैम और स्टोरेज परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, 6GB से लेके 12GB रैम आपको वेरिएंट देखने के लिए मिल जाती है। और इसके अंदर आपको स्टोरेज भी 128GB से लेके 256GB स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। ये जो स्मार्टफोन है, इसके अंदर आपको 6GB रैम देखने के लिए नहीं मिलेंगे, 8GB और 12GB देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फीचर्स है काफी हद तक अच्छी है गाइस। जो रैम वेरिएंट है, बहुत हाई परफॉर्मेंस रैम आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है रैम परफॉर्मेंस। इसके अंदर रैम थोड़ा हाई आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आपको स्मार्टफोन की सबसे फास्ट आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में ये जो स्मार्टफोन है, इसके अंदर आपको दो कलर वेरियंट देखने के लिए मिल जाती है। ये जो मेन कलर है, आपको गोल्ड और ब्लैक कलर देखने के लिए मिल जाती है। इसका बात कर लेते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। ये जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन के अंदर आप 5400mAh की एक बड़ा सा बैटरी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करा जाएगी। और ये जो बड़ा बैटरी है, बड़ा बैटरी को फास्ट चार्ज कर 68W का फास्ट चार्जिंग एडोप्टर सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो बैटरी है, बहुत फास्ट चार्जिंग एडोप्टर से बहुत जल्द इस स्मार्टफोन को चार्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं इसके अंदर कैमरा सेटअप दिया हुआ है, कैमरा सेटअप के बारे में। जो बैक साइड की जो कैमरा सेटअप है, बैक साइड पे आपको मैंने पहले ही बताया डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएंगे। मेन जो कैमरा है, इसके अंदर 50MP का OIS सपोर्ट के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। सेकेंड जो कैमरा है, 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्वालिटी की बात करूंगा, इस वीडियो रिकॉर्ड की बात करूं, हाई लेवल की पिक क्वालिटी आप इसके अंदर से निकाल पाएंगे और 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60fps के साथ। साथ ही में ये जो स्मार्टफोन है, इसकी फ्रंट कैमरे की बात करो, इसके अंदर आप 32MP का सिंगल सेल्फी फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाती है, जो 5 वोल्ट कार्ड आउट के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये जो फ्रंट कैमरा है, 1080 से लेके 30fps के साथ आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, मतलब आप HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps के साथ। स्मार्टफोन गाइस आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ये जो स्मार्टफोन है गाइस, इस स्मार्टफोन 21 सितंबर को ऑलरेडी इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। इसकी जो प्राइस है गाइस, ओरिजिनल जो प्राइस आपको मोटो वालों ने बताया था इंडिया लॉन्चिंग डेट के बारे में, इंडियन लॉन्चिंग जो प्राइस बताया था, उसके काफी हद तक हाई प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 25K से आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएंगे इंडिया के लिए, 12GB रैम और 8GB रैम वेरियंट पे। और गाइस 12GB पे और थोड़ा हाई देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब गाइस ये जो स्मार्टफोन है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप इसकी प्राइस देखेंगे 8GB रैम का आपको 28,000-26,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस जो प्राइस बताया था, काफी हद तक हाई प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस इसकी जो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये जो स्मार्टफोन की प्राइस है, 21 से लेके 22 होना चाहिए था प्राइस, और प्राइस थोड़ा हाई आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो गाइस इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है और इसकी जो बेनिफिट है, और गाइस इस स्मार्टफोन आप ले चुके हैं तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जरूर मुझे कमेंट पे एक कमेंट कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।